पत्रकारिता की नई धारा। हम बनेंगे आपकी आवाज। हम हैं हर कदम आपके साथ। अगर कहीं अन्याय हो रहा है, किसी का उत्पीड़न हो रहा है, कहीं भ्रष्टाचार है तो हमें बताइए, हम आपकी आवाज सरकार तक पहुंचाएंगे, सोए हुए प्रशासन को जगाएंगे। हम बनेंगे आपकी आवाज, हर जुर्म पर होगी हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिसेंटली न्यूज, मैं वर्तिका सक्सेना। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आप सभी देशवासियों को रिसेंटली न्यूज की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज देश भर में शिवरात्रि मनाई जा रही है। शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि प्रयागराज, हापुड़, शाहजहांपुर में श्रद्धालु सुबह से लाइन लगाकर भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। जगह जगह शोभा यात्रा व मेले का आयोजन किया गया है। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में विद्युत संविदा कर्मियों का धरना आज भी जारी है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बाबा विश्वनाथ मंदिर व बाबा बनखंडीनाथ मंदिर में सुबह से ही भक्तों ने लाइन लगाकर भगवान शिव को जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाकर अभिषेक किया। शाहजहांपुर के जलालाबाद क्षेत्र के भट्टा कला ग्राम में स्थित प्राचीन शिव मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी रही। हमारे संवाददाता आशीष त्रिपाठी ने बताया कि यहाँ मंदिर 400 वर्ष पुराना स्थापित है। यहाँ पर मेले का भी आयोजन किया गया है। जलालाबाद में भगवान शिव की बारात का आयोजन कर शोभा यात्रा निकाली गई। ब्रह्मनान मोहल्ले से ये शोभा यात्रा प्रारंभ हुई, जो कि पूरे नगर में भ्रमण के बाद विश्वनाथ मंदिर में समाप्त हुई। वहीं प्रयागराज के बहरिया करनाईपुर में भगवान शिव का मंदिर, जो कि सैकड़ों वर्ष पुराना बताया जाता है, स्थापित है और इसे लोग फुटेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी रही। मेले का भी यहाँ आयोजन किया गया। हमारे संवाददाता अजीत कुमार शुक्ला ने बताया कि प्रतिवर्ष यहाँ हजारों श्रद्धालु आते हैं और भगवान शिव से अपनी मन्नत पूरी करने की प्रार्थना करते हैं। यहाँ के लिए प्रसिद्ध है कि जो भी व्यक्ति यहाँ आकर प्रार्थना करता है और अपनी मनोवांछित इच्छा की आकांक्षा करता है, भगवान शिव उसकी मन्नत पूरी करते हैं। उत्तर प्रदेश के ही जनपद हापुड़ में सबली और चपकोली नामक ग्राम है, जहाँ पर भगवान शिव के दो मंदिर स्थापित हैं। बताया जाता है कि ये दोनों शिव मंदिर अत्यंत प्राचीन हैं और यहाँ पर गंगोत्री तथा ऋषिकेश आदि स्थानों से कांवर यात्रा के द्वारा श्रद्धालु गंगा जल लाकर भगवान शिव के ऊपर चढ़ाते हैं तथा अपनी मनोवांछित इच्छा की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। मनीष कुमार ने ये भी बताया कि यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था रही, चारों तरफ से पुलिस व प्रशासन मुस्तैद रहा और पूरे उत्तर प्रदेश में सभी जगह हमारे संवाददाताओं की तरफ से ये सूचना प्राप्त हुई है कि बहुत ही शांति और सौहार्दपूर्ण ढंग से महाशिवरात्रि का पर्व संपन्न हुआ है। किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटित नहीं हुई है। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो। यहाँ पर पुलिस वालों ने कुछ अटैच किया था पहले, जब कच्चा मंदिर था तो पुलिस वाले आ गए। यहाँ खाम खाम का बवाल बना रखा है। अच्छा। यहाँ पे कुछ नहीं है, इसको गिराओ। तो उन्होंने इसकी कोशिश की गिराने की, मिट्टी टी हटा लगाने का आर्डर दिया। तुरंत ही अब यहाँ पर एक काला सर्प निकला। हाँ, कई एक निकले, बिच्छू वगैरह ये कुछ निकला। और कितनी भी बरसात होती लेकिन मंदिर पर कूड़ा कबाड़ कुछ नहीं, कच्चा मंदिर था, बिल्कुल वैसा ही वैसा खड़ा रहा। तो भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं? मैं, हमारा गांव पड़ता है नवादा दूरनिया। अच्छा, क्या नाम आपका? हमारा नाम सत्येंद्र प्रताप सिंह है। अच्छा अच्छा, तो ये जो भस्ता कला में शिव मंदिर है, यहाँ पर आज काफ़ी भीड़ भाड़ है, महाशिवरात्रि का पर्व है, तो इस मंदिर के बारे में क्या जानते हैं? इस मंदिर के बारे में हमारी जानकारी हमारे बुजुर्गों ने जो हमको बताया है और बताते आ रहे हैं, तो इस मंदिर की जानकारी लगभग में 450 वर्ष पुराना मंदिर है ही, तब से यहाँ पर पूजा अर्चना इत्यादि हो रही है और यहाँ पर कच्चा जो मंदिर था, मिट्टी का मंदिर बना हुआ था, तो भगवान शिव ने पुजारी को स्वपन दिया कि जब तक मेरी अनुमति ना हो तब तक इस मिट्टी के मंदिर को तोड़ना नहीं चाहिए।
हाँ, और उसके बाद जो है जब भगवान शिव की कृपा हुई और उन्होंने कहा कि अब हमारा मंदिर की पूर्ण निर्वृत्ति कराई जाए, उसके द्वारा फिर इसका मंदिर का पूर्ण जीर्णोद्धार हुआ और इसे नव निर्माण के लिए तैयार किया गया। यहाँ पर समयसर महादेव का शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ और बहुत सी कहावतें हैं, राजा हरिचंद ने भी यहाँ तपोस्थली रही है, राजा हरिचंद नया तपस्या करी और राजा हरिचंद का बाजार भी यहाँ से लेकर कहापुर तक भरता था और बहुत श्रद्धालु लोग देश विदेश से यहाँ पर अब मन्नत लेकर के आते हैं और सभी की मन्नतें पूरी हो जाती हैं। यहाँ लगभग कितनी भीड़ हो जाती है? 80,000 से 1,00,000 के करीब श्रद्धालु यहाँ पर आ जाते हैं। उत्तराखंड, गंगोत्री, यमुनोत्री, गोदावरी से लोग यहाँ श्रद्धालु जलाभिषेक करने के आते हैं। इस बार का उद्घाटन हमारे सदर हापुड़ जनपद सदर के विधायक विजय पाल आरती और सपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र जागर ने किया है, बहुत अच्छा किया है। पुजारी लोगों ने भी यहाँ पर रेलिंग वगैरह और चढ़ने की सीढ़ी वगैरह बनाई है, बहुत अच्छा सहयोग भक्तों का यहाँ पर रहा। यहाँ पर क्या मान्यता है? देखिए, आज महाशिवरात्रि का पर्व है और ये छपकोली गांव में बहुत ही प्राचीन महादेव जी का मंदिर है जो सामादेव के नाम से जाना जाता है, प्रख्यात है। और यहाँ पर श्रद्धालु साल में 2 बार हरिद्वार से जल कांवर के माध्यम से लेकर के और गौमुख से भी यहाँ जल लाया जाता है और अपनी मनोकामना जो श्रद्धालु कहते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है और हम सब लोग यहां आज बहुत खुश हैं। मेले का उद्घाटन भी किया गया है यहां क्षेत्रीय विधायक के द्वारा, पहली बार ऐसा हुआ है, सब श्रद्धालु यहां खुश हैं और यहां पर मनोकामना पूरी होती है। प्राचीन मंदिर है ऐसा बताया जाता है पूर्वजों के द्वारा कि राजा हरिश्चंद्र जी ने यहाँ पर पूजा की थी और यहाँ पर जो पिंडी है महादेव जी की वो प्रचलित हुई। शिव मंदिर है ग्राम सबली में और यहाँ सुबह 4 बजे से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है, देख रहे हैं आप, पुलिस की व्यवस्था है यहाँ और लगातार लाइन लगी हुई है, लगभग 200-300 मीटर की लाइन लगातार लगी हुई है और सब कुछ सामान्य चल रहा है। भक्त सभी अपना जल डाल रहे हैं भगवान पे और फिर भंडारे का आनंद ले रहे हैं। इसमें आपको एक उल्लेखनीय बात बतानी है, शाम को 8 बजे जब कांवड़ियों का शुभ मुहूर्त है उसके बाद लगभग 2 घंटे और गहमा गहमी रहेगी, तो हम उम्मीद करते हैं कि 10 बजे तक कुछ हल्का पड़ेगा। दादा, विद्युत संविदा मजदूर लगभग 1 माह से धरने पर बैठे हैं लेकिन विभागीय अधिकारियों से लेकर जिला प्रशासन तक कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। 4 माह का वेतन, 10 माह का EPF बकाया है। मजदूर कहते हैं कि अभी तक तो किसी तरह वक्त काट लिया लेकिन अब कोई कर्ज भी देने को तैयार नहीं है। बच्चों का स्कूल जाना बंद हो गया है, परिवार में यदि कोई बीमार हो जाता है तो उसका इलाज भी कराना संभव नहीं है। एक संविदा श्रमिक ने तो ये भी बताया कि उसने अपनी पत्नी के जेवर बेचकर अभी तक काम चलाया है लेकिन अब वो भी नहीं है। श्रमिक आगामी होली के त्यौहार को लेकर परेशान है लेकिन अफसर शाही उनकी सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो। अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर विद्युत संविदा मजदूर संगठन के द्वारा काफ़ी समय से धरना दिया जा रहा है। आज हम यहाँ पर आए हुए हैं और लगातार इनके समाचार का कवरेज भी किया जाता रहा है। ये कई बार इन्होंने प्रयास किया, जिलाधिकारी से भी मिलने का प्रयास किया, प्रशासन को ज्ञापन दिया, मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन भेजा गया, यहाँ अधीक्षण अभियंता से भी वार्ता की गई लेकिन इनकी समस्या का निराकरण अभी तक नहीं हुआ है। आइए जानते हैं कि क्या इनकी मुख्य समस्या है और अभी तक अधिकारियों ने इनको क्या आश्वासन दिया है और क्यों इतने लंबे समय से इनका ये धरना चल रहा है और इसका निराकरण क्यों नहीं हो पा रहा। ये इस विद्युत संविदा मजदूर संगठन के अध्यक्ष हैं अशोक कुमार पाल जी, आइए इनसे जानते हैं कि आखिर आपका धरना कुल कितने समय से चला आ रहा है, बीच बीच में कई बार स्थगित भी हुआ फिर शुरू हुआ, तो मतलब पूरा टाइम कितना हो गया एक ही मांग को लेकर के लगातार आपका मतलब ये धरना चल रहा है और आश्वासन मिलता है फिर आप बंद कर देते हैं फिर शुरू कर देते हैं, कितना टाइम हो गया आपको? हमारा ये धरना बहिष्कार कार्यक्रम लगभग 1 महीना होने जा रहा है और इस बीच में कई बार वार्ताएं हुई, कई बार मतलब कमेटी का गठन करके विभाग के अधिकारी यहाँ तक कि जिला अधिकारी महोदय तक, हम लोगों ने कल रैली भी निकाली थी और मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा है
कि शाहजहांपुर में विद्युत संविदा मजदूर जो है वो भुखमरी की कागार पर पहुंच चुका है, क्योंकि उनका 3 माह से बकाया वेतन और 10 से 11 माह का ईपीएफ अभी तक उनके खाते में नहीं डाला गया है। इस संबंध में कई बार धरना प्रदर्शन हुए और आश्वासन और वार्ता के बाद स्थगित किया गया, लेकिन कोई भी समस्या का समाधान आज तक ना तो विभाग के अधिकारियों ने किया है और ना ही शासन प्रशासन ने हमारी समस्या को गंभीरता से लिया। इस कारण आज शिवरात्रि का दिन होते हुए भी हमारा संविदा कर्मचारी यहाँ कार बहिष्कार पर बैठा हुआ है, जिसकी सामने इतनी ज्वलंत समस्याएं हैं कि उसका परिवार पालने पोसने में भी समस्याएं हो रही, बच्चों के स्कूल से भगा दिया गया है, भुखमरी की कागार पे है। मांग मतलब दुकानों से ये आलम है कि दुकान से जो वो राशन वगैरह लेता था दुकानदार ने राशन देना भी बंद कर दिया है और बस ही बड़ी ही विषम परिस्थितियों में वो जीवन यापन करने के लिए मजबूर है। हालांकि इस संबंध में कल शाम बजे यहीं अधीक्षण अभियंता महोदय के सामने हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी श्री नवल किशोर सक्सेना जी और मैं खुद अशोक कुमार पाल मध्यांचल महामंत्री और हमारी जिला कमेटी के बीच में वार्ता हुई, जिसमें हमारे जो इस विभाग के एक्सियन हैं 88 अभियंता सेकेंड, उन्होंने सीधे कह दिया कि आप लोग कंपनी के कर्मचारी हैं, हम लोगों से कोई मतलब नहीं, आप लोग कंपनी से मतलब अपना पैसा और ईपीएफ मांगिए, हमारा हम लोगों से कोई लेना देना नहीं। तो ये बताइए कि अधीक्षण अभियंता ने क्या कहा? अधीक्षण अभियंता की टोल मटोल वही गुमराह करने वाली बात है कि मैंने आप लोगों की बात को ऊपर तक पहुँचा दिया है, जब कभी वहाँ से कोई समाधान निकलेगा तब आपका वेतन और ईपीएफ आपको दिया जाएगा, वरना आपकी जो इच्छा है वो करिए, हम लोगों से कोई लेना देना नहीं। जैसे आप बता रहे हैं कि उन्होंने ये कहा कि आप कंपनी के एम्प्लाई हैं, कंपनी से बात करिए, तो आपने काम किसका किया है, पावर कारपोरेशन का किया है या कंपनी का? आपने पावर कारपोरेशन का काम किया है और शासी अभियंता से लेकर जेई एसडीओ यहां तक कि जो रेगुलर कर्मचारी हैं TG2 और लाइनमैन उनके अधीन में हमारा संविदा कर्मचारी हर समय 24 घंटे काम करता है। किसी भी तरह का काम हो विभाग का, हमारा संविदा कर्मचारी करने के लिए मजबूर किया जाता है, उससे कराया जाता है और वो करने के लिए बाध्य भी है। आप बताइए ये जब आपकी अटेंडेंस जो है इसको सत्यापित कौन करता है? अवर अभियंता जूनियर इंजीनियर हमारे अटेंडेंस को वेरीफाई करते हैं, एसडीओ साहब उसको आगे बढ़ाते हैं। जूनियर इंजीनियर का पावर कारपोरेशन के हैं कंपनी के? पावर कारपोरेशन के जूनियर इंजीनियर हैं, पावर कॉर्पोरेशन के ही जूनियर इंजीनियर हैं जो हमारी अटेंडेंस को हमारे। आपने ये नहीं पूछा उनसे कि जब पावर कॉर्पोरेशन के अधिकारी हमारे अटेंडेंस को सत्यापित करते हैं तो काम भी आप ही कर रहे हैं, तो हम एम्प्लाई मतलब जो है आपके हुए हैं या मतलब जो कंपनी के हुए, कंपनी ने आपके जिम्मे हमको दे दिया कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हमको दे दिया आपके पास, तो आप मतलब हमारे उसके लिए उत्तरदायित्व उनका भी तो बनता है। हर चीज़ को हमारे चाहे वो अधिशासी अभियंता महोदय हो चाहे अधीक्षण अभियंता महोदय हो, असलियत ये है कि शाहजहांपुर डिवीजन में 5 डिवीज़न हैं और 5 डिवीज़न में डिवीजन फर्स्ट प्रथम जो बाईबाग में आता है उस डिवीजन के केवल 88 अभियंता ने हमारे संविदा कर्मचारियों का ईपीएफ का पैसा कंपनी का रोका है और बाकी किसी भी 88 अभियंता ने कंपनी का पैसा नहीं रोका है, इसलिए ईपीएफ और हमारी सैलरी देने में कंपनी को दिक्कत हो रही है, कंपनी को परेशानी हो रही है, जबकि ये लोग कंपनी को पैसा रिलीज कर चुके हैं। और वो कैसे रिलीज हुआ, किस तरीके से रिलीज हुआ, इसके बारे में संविदा कर्मचारी को क्या मतलब? आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हम कई चरण में लगभग 1 महीने से यहाँ धरने पे बैठे हैं और शासन प्रशासन को भी अवगत करा रहा हूँ अपनी परेशानियों से, यहाँ तक कि जिला अधिकारी अपर जिला अधिकारी और अपने अधीक्षण अभियंता महोदय अधिशासी अभियंता महोदय सभी को अपनी परेशानियों से अवगत करा दिया है और सभी अवगत है, लेकिन उसके बाद भी कोई हमारा सही से संज्ञान लेने वाला नहीं है। आज हमारा साथी भुखमरी की कगार पे पहुंच गया है और मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं कि हम अहिंसा के पुजारी है, हिंसा के पुजारी नहीं है। लेकिन ये बताइए अगर आपके लगातार आप 1 महीने धरने में बैठ रहे हैं अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, अगर इसी प्रकार से आपके प्रति उपेक्षा रखी गई, लापरवाही की गई, नहीं सुना जाता तब आपके ऐसी स्थिति में मैं तो यही कहूँगा कि हमारा जो है कार्य बहिष्कार धरना प्रदर्शन निरंतर चलता रहेगा और हमारे संगठन के पदाधिकारियों के आह्वान पर हम रोड पे भी आ सकते हैं, रोड पे उतर सकते हैं, सप्लाई बंद करवा सकते हैं। एक मजदूर जब सप्लाई चला सकता है तो सप्लाई बंद भी कर सकता है, हम बाहर रोड पे आने के बाद रोड जाम भी कर सकते हैं।
अशोक सक्सेना जिला महामंत्री विद्युत समिता मजदूर संघ का जान हमारा धरना लगभग एक माह से बराबर लगातार चल रहा है। बार बार आश्वासन मिलता है अधिकारियों से, प्रशासनिक अधिकारियों से भी, लेकिन कोई ठोस बात करने को तैयार नहीं है, कोई नतीजे पर नहीं पहुँच रहा है। हर आदमी टाल मटोल इधर उधर की बातें करके केवल इसी डेढ़ घूम में लगा हुआ, किसी तरीके से इन लोगों का कार्य बहिष्कार समाप्त हो जाए और ये लोग अपने विभाग में काम पर आ जाए। कल ये घटनी दुखद घटना घटी हमारे साथ में, कहते हुए भी बड़ा अफसोस हो रहा है, शर्म भी आ रही है। हमारे एक जिम्मेवार अधिकारी ने ऐसी बात कह दी जो नहीं कहनी चाहिए थी कि आप निविदा के कर्मचारी हैं। हम अपनी बात करने गए थे उनसे कि हमारा ईपीएफ के लिए आप प्रयास करिए, तनख्वाह हमारी चार महीने के साथियों की बाकी है जो भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं, उनके घर में दबा मौसम परिवर्तन हो रहा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, स्कूल से बच्चे निकाले जा रहे हैं फीस के अभाव में, इन सब परेशानियों के बीच में संविदा कर्मचारी पिछड़ा है, तो आप प्रयास करिए जिससे हम लोगों को जल्दी से जल्दी इन समस्याओं का समाधान मिल सके, लोगों को खातों में वेतन आ सके। उसके जवाब में उन्होंने ये कह दिया कि आप निविदा के कर्मचारी हैं, आप अपनी कंपनी से अपना पैसा मांगें। मैं चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, जब 33 kV 11 kV की लाइन आंधी और तूफान की बरसात के मौसम में जब कोहरा पड़ता है, कड़ाके की ठंड पड़ती है, हर आदमी रजाई से निकलना बाहर नहीं चाहता है, उस बीच में रात के 2-2 बजे जब लाइनें ब्रेकडाउन होती हैं, कहीं तार टूटता है, तो हमारा संविदा कर्मचारी को जैसे ही सूचना अधिकारी लोग देते हैं तुरंत आके वो लाइनों को दुरुस्त करता है और हमारे उपभोक्ताओं को सप्लाई सुचारू रूप से चलाकर देता है। हम अधिकारियों के बीच में काम करते हैं, उनका सम्मान भी करते हैं और उपभोक्ताओं के कोभाजन से उनको बचाते भी हैं। कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं करते हैं जिससे हमारी वजह से हमारे अधिकारियों का उत्पीड़न हो, चाहे वो राजस्व की वसूली हो, चाहे लाइनों का ब्रेकडाउन हो। लगभग 10 महीने से पिया और 3 महीने हो गए आज सेलिंग, लेकिन लगातार हम लोग धरना पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई हमारी नहीं हुई है। ये अधिकारी कानून के तहत डाले बैठे हैं, हम लोग जिस तरीके से गुजारा करते हैं वो हम ही लोगों को पता है। हमारे दूर दूर से लोग आते हैं, ऐसे उधार लेके आते हैं मजबूरी में, क्योंकि मेरी सुनने वाला कोई नहीं है। यहाँ बैठते हैं, थोड़ी बहुत सुनवाई होती है, सांत्वना बनती है कि हो सकता है आज मेरी आ जाए, लेकिन किसी के कानों में जू नहीं रह गई। तो मेरी मीडिया बंधुओं से यही प्रार्थना है कि हमारी दूर दूर तक आवाज़ पहुँचाए, ताकि हमारी समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी हो सके। और आगे त्यौहार भी है, त्यौहार का भी खर्चा है, लेकिन हम लोग जैसे तैसे क्या करना है आगे। अभी आपका ये मतलब त्यौहार आ रहा है तो होली आ रही है, तो आप कैसे होली कैसे निपटाएंगे? होली कैसे निपटाएंगे? जैसा तैसा उधार लेके या किसी से मांग कर इसी तरीके से निपटाई जाएगी, निपटाना तो है। ये तो आप लोगों से गुजारिश है, मेरे ऊपर तक आवाज़ पहुँचाएँ, ताकि हमारी होली से पहले पहले वेतन आ जाए, तो हमारा जो है होली का त्यौहार अच्छे से मिले। क्या आप यहाँ जब धरने में बैठे हुए हैं और आप बता रहे हैं कि 4 महीने का आपको वेतन नहीं मिला है, 10 महीने का ईपीएफ में नहीं मिला है, तो आपका परिवार कैसे चल रहा है? तो परिवार ऐसे चल रहा है कि इधर उधर से काम चला रहे हैं, नहीं कुछ कर रहे, दूसरों परसों वाले भी पूछने जहाँ से राशन लेते हैं, उस राशन वाले ने भी मना कर दिया कि हम आपको राशन नहीं देंगे जब तक पैसा नहीं जमा करोगे। तो मैंने अपने घरवाली की झुलनी थी वो डाल दी, झुलनी 500 रुपये में डाली जाती अपनी, वो उससे हमने जाकर उसका थोड़ा बहुत पैसा दिया, उससे मैंने अपना थोड़ा राशन दिया। क्या मतलब जेब में डाला आपने? तो कितने लोग हैं आपके परिवार में? मैं 6 लोग। कौन कौन है? लड़के हैं, लड़की है, माँ है, बीवी है। तो माँ अभी आपकी काफ़ी वृद्ध होंगी, उनकी दवा ववा के लिए भी प्रॉब्लम होती है? दवाई तो चलते ही दवाई लाते हैं, ऐसे जहाँ डॉक्टर सुधार देते थे उधार लाते हैं, जैसे जैसे सुधार दुकान करके दवाई लाते हैं, क्या करें। तो यहाँ से बैठे हुए हैं, आज लाश लाई वृद्ध माँ है, उनकी इलाज चल रही है, इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, वो भी आज कल में वो भी जाने वाली है, बताओ क्या करा जाए। इसीलिए यहाँ पर इंतजार से बैठे कि आज मिल जाएगा कल मिल जाएगा, इस इंतजार में आज 6वां दिन हो गया, कोई मेरी सुनवाई नहीं हो रही, कोई हमको पैसे देने के लिए तैयार नहीं।